नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। आसमान कंपड़ गया उसकी उड़ान के आगे, साबित हुई प्रतिभा उसकी सारे जहान के आगे। जी हां, हम बात करें आजमगढ़ की सुप्रिया भारती की, जिन्होंने एक सौंदर्य प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का पुरस्कार जीतकर जनपद का मान सम्मान बढ़ाया है। 20 फाइनलिस्ट को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। आगरा में आयोजित हुई ले डिवाइन ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता में सुप्रिया मिस क्वीन इंडिया की फर्स्ट रनर अप चुनी गई। अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने ज्यूरी को प्रभावित किया। ब्यूटी विद ब्रेन की कहावत को चरितार्थ करते हुए ये ताज न खुद बल्कि जनपद के मस्तक पर भी पहना दिया। खिताब जीतने के बाद लौटी सुप्रिया का जोरदार स्वागत सम्मान हुआ। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बुधवार को पूर्व सांसद स्वर्गीय बलिहारी बाबू की पुत्री भी उनके हरबंशपुर आवास पर पहुंची और उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर सुप्रिया ने कहा कि वे अपने सपने के साथ साथ अपने माता पिता के भी सपनों को साकार करना चाहती हैं। Interest including dancing, acting, singing, modeling, as well as I am a fashion designer also. You can say I'm just a multi-talented type of girl, as a pupil say, not me. And now I'm pursuing B.Ed. Because B.Ed तो थोड़ा हटके है इस लाइन से, because my parents' dream is that I should do government job. तो मुझे अपने ड्रीम के साथ साथ अपने पेरेंट्स के भी ड्रीम को पूरा करना है, because it's my view कि लाइफ एक बार ही मिलती है, तो इसको किसी एक चीज़ में हम इन्वेस्ट ना करके हमारा जो ड्रीम है हम उसे कमाएं, पैसे के साथ साथ जो हमारा ड्रीम है हम उसे कमाएं, हम उसको जिए, बिकॉज लाइफ एक बार ही मिलती है। एनी अदर क्वेश्चन? क्या सोचकर आपने इस चीज़ को चुना, कब आपका इस लाइन में मैं कैसे है? एक्चुअली जो एक्स्ट्रा करिकुलम फील्ड है ना, ये मेरा बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट इसमें भागता है, और ये बचपन से नहीं, मैं आज भी कॉपी किताब लेके बैठती हूँ ना, तो ऐसा लगता है ना सुप्रिया तुम इस चीज़ के लिए बनी नहीं हो, तुम जिस चीज़ के लिए बनी हो तुम उससे अलग ट्रैक से काम कर रही हो। तो आज भी मैं अपनी बीएड की बुक्स लेके बैठती हूँ ना, तो उस ट्रैक से थोड़ी अलग हटती हूँ। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैंने ऐसे जनरली इंस्टाग्राम चला रही थी, तो उस पर मैंने इसका ऐड देखा, देन मैंने कॉन्टैक्ट किया मैम से, तो उसमें फर्स्ट ये प्रोसेस था कि आपकी फ़ोटो सेलेक्ट होती है, उसमें ये देखा जाता है कि हाँ आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका गेस्चर पोस्चर क्या है, उसमें आपके एटीट्यूड है या नहीं, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपका ऑडिशन लिया जाता है, इंट्रो लिया जाता है, एंड देन इसमें हम फिर उसके बाद हमारी इसमें एंट्री होती है। और ये आगरा में ये इवेंट हुआ था, ये 2 दिन का इवेंट था जिसमें कि स्टार्टिंग हमारी वेलकम से हुई थी, आफ्टर वेलकम हमारा ग्रूमिंग सीजन चला था, ग्रूमिंग सीजन के बाद जो है कि हर चीज़ें बताई गई, उसमें समझाई गई कि क्या करना है, क्या कैसे करना है, फिर सेकेंड डे स्टार्ट होता है, सेकेंड डे में जो है कि आफ्टर ब्रेकफास्ट हमारा फिर से ग्रूमिंग सीजन होता है, और उसमें हमारा एक टैलेंट राउंड होता है जिसमें आपके अंदर जो भी टैलेंट है लाइक डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग या 1 मिनट 2 मिनट पेंटिंग्स, तो उसमें आपको वहाँ शो करना था, तो वो भी बहुत बेस्ट गया था। उसके बाद हमारा ट्रेडिशनल राउंड हुआ था, ट्रेडिशनल राउंड में हमें किसी न किसी स्टेट को प्रेजेंट करना था, तो उसमें मैंने बंगाल को प्रेजेंट किया था, बंगाली स्टेट विथ बंगाली कॉस्ट्यूम। उसके बाद हमारा लास्ट था या गाउन, इवनिंग गाउन। एक्चुअली ये ऑल ओवर इंडिया से था, नेशनल ब्यूटी प्रेजेंट है, तो इसमें अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए थे, और पूरे सारे कंटेस्टेंट मिला के 20 थे, 20 कंटेस्टेंट थे, जिसमें से कि 4-5 लेडीज थी, बाकी सारी गर्ल्स थी। सोच विचार मेरा लाइफ का अब 2 ही एम है कि मैं अपने पेरेंट्स के ड्रीम के साथ साथ मैं खुद की भी ड्रीम को पूरा करूं। मुझे गवर्नमेंट जॉब भी पानी है जस्ट कॉज ऑफ माय पेरेंट्स, कि ये मेरे पेरेंट्स का ड्रीम है, और मुझे इस लाइन में भी आगे बढ़ना है क्योंकि ये मेरा ड्रीम है। एक्चुअली दोनों में से एक चूज़ करना होगा, तो बाय द वे मैं पेरेंट्स को ही चूज़ करूँगी क्योंकि मेरा जो व्यू था ये यही था कि मेरे ड्रीम बढ़े लेकिन पेरेंट्स के ड्रीम से बढ़ के नहीं।
को सम्मान जो मिला है अच्छा है और आगे बढ़े अच्छी बात है, हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आपकी बेटी जिस तरफ बढ़ना चाह रही है उस तरफ आप उसका पूरा सहयोग करती हैं जी? क्या चाहते हैं बेटी क्या बने और क्या कितना आगे बढ़े? बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। जैसे आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, सम्मान से बेहद खुशी है और ये अपेक्षा कि मेरी बेटी दिन दूना रात चौगुना और उन्नत करती जाए। आगे आप किस दिशा में? जिस क्षेत्र में आगे जा रहे हैं उस क्षेत्र में अंतिम मुकाम तक पहुंचे, ये मेरी शुभकामना है। सुरक्षा के दृष्टिगत सीओ ने बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी। क्षेत्र के बैंकों में आए दिन उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ती है, जहां लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते नजर नहीं आते। बुधवार को क्षेत्र अधिकारी सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला ने स्टेट बैंक जीएनपुर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी। वहीं बैंकों के बाहर संदिग्ध दिखने वाली बाइकों के बारे में जानकारी की गई। क्षेत्र अधिकारी सगड़ी ने बताया कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखे जाने हेतु चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संदिग्ध लोगों की चेकिंग की जा रही है। लोगों को निर्देशित किया जा रहा है कि बैंकों में यदि भीड़ है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध नजर आए उसकी सूचना पुलिस को दें। उन्होंने बताया कि चेकिंग अभियान अनवरत जारी रहेगा, समय समय पर अभियान चलाकर बैंक आदि की चेकिंग की जाएगी। तीन चेकिंग है बैंकों के बाहर, कोई अनावश्यक नहीं खड़ा है अंदर, कोई व्यक्ति बैंक के अंदर नहीं गया है, ये सामान्य चेकिंग। और इसमें सर क्या क्या बताया गया सबको? सबको यही बताया जा रहा है कि अपनी कोई भी धनराशि वगैरह के बारे में दूसरे को ना दिखाई जाए ना बताई जाए। और सर ये कब से कब तक चलेगा? ये हमेशा चलता है, बैंक में रूटीन चेकिंग हमेशा चलती है। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में भी सरकार ने राजस्व के दृष्टिगत कुछ शर्तों के साथ लाइसेंसी शराब की दुकान खोलने की अनुमति दे दी थी, जिससे शराब के शौकीनों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन महीनों बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सहायक आबकारी आयुक्त आरएस चौधरी ने बताया कि वर्ष भर में सभी लाइसेंसी शराब की दुकानों को 4 दिन अनिवार्य बंदी करनी होती है, इसमें से एक स्वतंत्रता दिवस भी होता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बंदी का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। अगर कोई शराब की दुकान खुली हुई पाई जाती है या कोई दुकानदार फर्जी तरीके से शराब की बिक्री करते हुए पाया गया तो विधिक कार्यवाही करते हुए सुसंगत धाराओं में उसे जेल भेजा जाएगा और जिलाधिकारी की ओर से जुर्माना की भी कार्यवाही होगी। शराब की दुकानों के लिए 4 दिन बंदी जो है घोषित है, जो मतलब लाइसेंस में शर्तों में लिखा हुआ है, उसमें 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संपूर्ण दुकानें बंद रहती हैं, इसको शुष्क दिवस घोषित किया गया। अगर दुकान कोई खुली मिलती है तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाती है और जिलाधिकारी महोदय द्वारा फिर उसे प्रशमन जुर्माने का प्रावधान। कोई इससे कि फर्जी तरीके चोरी से बेचता है उसके लिए क्या कार्रवाई होगी? अगर वो फर्जी तरीके से मिलता है तो उसमें धारा 60 या जो भी सुसंगत धारा उसके अंदर उसको भेजा जाएगा जी। देश भर में कोविड 19 के मामलों की संख्या तेजी से घटती जा रही है। मामले घटने के साथ ही राज्य स्कूलों और कॉलेजों को धीरे धीरे फिर से खोलने की योजना बना चुकी है। देश में शिक्षण संस्थान लंबे समय से बंद हैं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए 16 अगस्त से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने को हरी झंडी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 16 अगस्त 2021 से 50% क्षमता के साथ कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा 1 सितंबर से उच्च शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। राज्य में स्कूलों को खोलने के लिए SOP जारी की गई, जिसके अनुरूप जिले के सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। सरकार की गाइडलाइन का अक्षरश है पालन करते हुए सेंट्रल पब्लिक स्कूल 16 अगस्त से कक्षा 9 से 12वीं तक की ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि विद्यालय के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ वैक्सीनेटेड व ट्रेन किए जा चुके हैं। विद्यालय के कमरों व बसों को सैनिटाइज किया गया है। जगह जगह साइन बोर्ड लगवाए गए हैं। बच्चों को रिटन गाइडलाइन जारी की गई है। अभिभावक की सहमति पत्र के साथ विद्यालय में बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार सभी विद्यालयों को एक गाइडलाइंस इशू की गई है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमें ये बताना है कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल आजमगढ़
सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर। शासन के निर्देशानुसार कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, अक्षरशः पालन करते हुए, दिनांक 16 अगस्त 2021 से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए खोला जाएगा। हमें यह भी बताना है कि 15 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार के अमृत महोत्सव को भी विद्यालय अपने स्तर पर मनाएगा। हमें यह भी बताना है कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल 1 अप्रैल 2021 से लगातार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने छात्र छात्राओं की पढ़ाई जारी रख रहा है। इस दौरान हमने पीरियोडिक टेस्ट भी बच्चों के लिए हैं और अभी सेकंड पीरियोडिक टेस्ट बच्चों का चल रहा है। हमें यह भी बताना है कि शासन के निर्देशानुसार कोविड 19 के गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन करते हुए विद्यालय ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, हमारे स्टाफ, ज़्यादातर स्टाफ वैक्सीनेट हो चुके हैं। हमारे स्कूल की जो गाड़ियाँ हैं, जो विद्यालय के वाहन से बच्चे आते हैं, उनका भी ख्याल रखा गया है, गाड़ियों को सैनिटाइज कराया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारे स्टाफ, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, दोनों को कोविड 19 के गाइडलाइंस के अनुसार प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, जो मेनली सरकार की अपेक्षा रही है वो मास्क को लेकर के रही है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन को लेकर के रही है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने को लेकर रही है और हाइजीन मेंटेन करने को रही है। हमारे विद्यालय ने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और जैसा कि शासन ने अपने निर्देश में बताया है कि हमें अभिभावकों की और छात्र छात्राओं की सहमति लेना अनिवार्य है, तो हमने अपने छात्र छात्राओं को ये मैसेज कन्वे किया है कि अगर आप विद्यालय आकर के 16 अगस्त 2021 से विद्यालय में पठन पाठन कार्य करना चाहते हैं तो आप सहमति पत्र अपने माता पिता, अपने अभिभावक से साइन करा के स्कूल कार्यालय में जमा करें। तत्पश्चात विद्यालय उन छात्र छात्राओं को स्कूल आकर के, विद्यालय आकर के पठन पाठन कार्य करने की इजाज़त देगा। कोविड 19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत हमने प्रॉपर सैनिटाइजेशन बूथ लगाया हुआ है, जगह जगह पे जो कोविड 19 की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग साइन बोर्ड लगाया है, क्लासरूम में लगाया है, एंट्री और एग्जिट पे लगाया है, स्टेयर्स पे लगाया है, वॉशरूम के अंदर लगाया है और बच्चों को एक रिटन गाइडलाइंस हम ग्रुप के माध्यम से, जो जिस ग्रुप के जरिए बच्चे पढ़ते हैं और जब वो विद्यालय आएंगे, एक रिटन प्रिंटेड फॉर्म में भी हम उनको उपलब्ध कराएंगे। और ये अपेक्षा रखते हैं अपने अभिभावकों से भी और छात्र छात्राओं से भी कि केंद्र, राज्य सरकार और CBSE का जो ये प्रयास है बच्चों के भविष्य को देखते हुए 16 अगस्त से खोलने का, जो ये प्रयास है उसमें हम शामिल हों और इस यकीन के साथ बच्चों को विद्यालय भेजें कि विद्यालय ने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राएँ और अभिभावक इस बात को लेकर राज़ी होंगे और अपने बच्चों को विद्यालय पठन पाठन कार्य के लिए जो भी समय उनको बताया जाएगा वो भेजेंगे और पठन पाठन कार्य में शामिल। पुरानी पेंशन के बहाली के एकमात्र मुद्दे को लेकर संघर्षरत अडेवा पेंशन बचाओ मंच की ये समीक्षा बैठक बुधवार को शहर के निजी विद्यालय में हुई। इस दौरान संगठन के जिला पदाधिकारियों का चयन भी किया गया। संगठन के जिला संयोजक सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए संगठन की मजबूती आवश्यक है, जब तक पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हो जाती ये आंदोलन चलता रहेगा। प्रदेश मंत्री विजय प्रताप ने कहा कि पेंशन की बहाली के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण का विरोध भी चलता रहेगा। निवर्तमान जिला संयोजक रामरतन यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली तक मैं वर्तमान जिला संयोजक के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए चलता रहूंगा। जिला मंत्री राकेश यादव ने कहा कि इस आंदोलन में सभी विभाग के कर्मचारियों को जोड़ते हुए आंदोलन को गति प्रदान की जाएगी। IT सेल प्रभारी नवल किशोर ने कहा कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक अपनी बात पहुंचानी होगी। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष पंचायत राज्य ग्रामीण सफाई कर्मचारी CP यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में हमारा संगठन अटेवा के साथ पुरानी पेंशन की बहाली तक आंदोलन करता रहेगा।
मुख्य अतिथि ब्रजेश कुमार एवं विशिष्ट अतिथि रामजी वर्मा रहे। ब्रजेश कुमार संरक्षक रामजी वर्मा एवं सीपी यादव सह संयोजक बैजनाथ कनौजिया व राकेश कुमार यादव को जिला मंत्री चुना गया। विनोद यादव, शिववंश सिंह, ओंकार नाथ सिंह व घनश्याम यादव को जिला संगठन मंत्री, नवल किशोर यादव को आईटी सेल प्रभारी, सैयद जुल्फिकार अली एवं विनोद दुबो को सह आईटी सेल प्रभारी बनाया गया। अध्यक्षता विनय कुमार सिंह यादव एवं संचालन घनश्याम यादव ने किया। इस मौके पर हरेंद्र प्रताप सिंह, राम प्रताप, गुलाब, अखिलेश, नवीन चतुर्वेदी, पन्नालाल, महेंद्र राम, विद्यासागर, प्रतिभा, संजय सोनकर, अनिल, शैलेंद्र यादव, यासीन जफर, कुसुम, वंदना, सुप्रिया, रीता, रीना सिंह, कैलाश, अवनीश, महेंद्र यादव, आशुतोष, विक्रम, उमाशंकर सहित तमाम कर्मचारी उपस्थित रहे। सैमीर कस्बे का कोना कोना श्रीराम के जयकारों से गूंजा तो सड़क पर जगह नहीं बची। महिलाओं ने घर के छतों से प्रतिमाओं का दर्शन किया तो देव भक्तों पर फूलों की बारिश कर खुद को धन्य महसूस किया। लग रहा था कि हर हृदय में राम समा गए हैं। मौका था मोहल्ला नई बाजार स्थित श्री ठाकुर की ओर से श्री राम जानकी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व प्रतिमाओं के नगर भ्रमण का। भीड़ इतनी की ड्रोन कैमरे से निगरानी के साथ घरों की छतों पर भी पुलिस तैनात करनी पड़ी। यज्ञाचार्य सभाजीत पांडे, सौरभ मिश्र आदि ब्राह्मणों ने वैदिक विधि से मंगलवार को वेदी पूजन, मूर्ति पूजन के बाद प्रतिमाओं को नगर भ्रमण कराया। यात्रा मुख्य मार्ग से मवेशी खाना, महाजनी टोला, चौक, सब्जी मंडी होते हुए राम जानकी मंदिर पहुंची। नगर भ्रमण के दौरान डीजे की धुन पर भक्त थिरकते नजर आए। सुरक्षा की दृष्टि से इंस्पेक्टर अनिल सिंह के नेतृत्व में एसएसआई शमशेर यादव, आशुतोष मिश्र, रामकृष्ण सिंह, जितेंद्र राय, अजीज खान सहित तीन थानों की फोर्स व पीएससी के जवान अलर्ट मुद्रा में चल रहे थे। धार्मिक आयोजन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रही थी और बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के भी नजर आए।